हेलो हाय 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 एंड वेलकम टू द वीकली विद चौबे जी। मेरा नाम है अनुपम आनंद, मैं हूं आसगार्ड का रक्षक और ये है एपिसोड नंबर 8। लेट्स स्टार्ट विथ योर फेवरेट सेगमेंट चौबे टीवी, जिसमें आज की प्रजाति है सुपर ह्यूमंस। ये ऊपर जाती है जो सूसू करने के लिए पहले अंडरवेयर खोलती है फिर पैंट खोलती है। You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. ये ऊपर जाती है जो टेक्नोलॉजी में कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, फिजिक्स की तो। ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। ये वो प्रजाति है जो चाइना हर साल थोक के भाव में बना रहा होता है। In a chilling op-ed, the US Intel chief has warned that China could be breeding genetically modified soldiers. सुपर ह्यूमंस अगर चश्मा लगा लें और थोड़ा लुक चेंज कर लें तो आप उन्हें पहचान नहीं सकते। अच्छा चलता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम मुझे अपना पूरा इंटरव्यू जरूर दोगे। प्रॉमिस। तुम इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन मॉडिफिकेशन के बारे में, जेनेटिकली या फिर इवोल्यूशनरी या फिर रेवोल्यूशनरी, दैट डिपेंड्स, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन मॉडिफिकेशन अंदर से। इंसान इस धरती पर पिछले 70 लाख सालों से है, लेकिन कुछ 500 सालों से कुछ ज्यादा ही एडवांस्ड होते जा रहे हैं हम लोग। ये सारे इवोल्यूशन रेवोल्यूशन के चक्कर में, जैसे आपके हाथ में मोबाइल फोन है, इमारतें बन रही हैं, विमानें बाहर जा रही हैं मार्स तक, ये सारा का सारा जो इवोल्यूशन है वो आपके साथ भी हो रहा है। ह्यूमन मॉडिफिकेशन इज समथिंग रियल। इंसानों की तरक्की के साथ साथ आपके खाना खाने का तरीका भी बहुत चेंज हुआ है। हम पहले बहुत कम खाते थे या फिर कुछ अजीब चीजें नहीं खाते थे, लेकिन अब सब कुछ खाते हैं। इंसानों को अगर इंसान भी मिल जाए ना तो वो भी खा जाएगा। तो भैया खाते खाते आप बीमार तो पड़ोगे ही, किसी दिन दवाई मंगा लोगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी वहीं बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है आपको बीमारी से बचाने के लिए। लेकिन ये बीमारियां आती कहां से, ये वायरसेस आते कहां से, वैक्सीनेशन क्यों बनता है, ह्यूमन मॉडिफिकेशन क्या है? ह्यूमन मॉडिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको पानी से डर लगने लगेगा। पानी पानी। ह्यूमन मॉडिफिकेशन का ये मतलब नहीं कि आप पाद मारो और सोफा फट जाए, नहीं, आप खाली नहीं हो। और हाँ, ह्यूमन मॉडिफिकेशन का ये मतलब नहीं कि आपको मकड़ी काटने से आप स्पाइडरमैन बन जाओगे। अगर वो मकड़ी बिल भी गई तो ऐसा बनोगे, देख लेना। ह्यूमन मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि आपको अंदर से, आपके अंदर के पुर्जों को ताकतवर बनाया जा रहा है, इंसानों से लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए और आपको धरती पे बोझ बनाए रखने के लिए। अब ये ह्यूमन मॉडिफिकेशन हो कैसे रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? डायरेक्टली में आपको सीधे सुइयां मार दी जाती है पैदा होने के साथ, आपको कितने ही सारे सुई लेनी पड़ती है, जैसे ये तो लिस्ट है जो कि आपको लेना है। और तो और आपको इनडायरेक्टली भी दिया जा रहा है मॉडिफिकेशन फूड या फिर मेडिकल इंडस्ट्री के द्वारा खाने पीने में। ये वाला हिस्सा थोड़ा और समझते हैं, इनडायरेक्टली कैसे आ रही हैं चीजें हमारे अंदर। आप खाना खाते हो, सब्जियां खाते हो, फल खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, गेंडा खाते हो, हाथी खाते हो, सब खा लेते हो, उसके अंदर भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हो रहा है। आप सुने होंगे लैब रैट्स, वी आर ऑल्सो लैब रैट्स एंड दे आर ऑल्सो लैब रैट्स, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज लैब रैट, एक्सपेरिमेंटेशन का हिस्सा। जेनेटिक मॉडिफिकेशन जानवरों में और पेड़ पौधों में खुलेआम होता है, लेकिन खुलेआम इंसानों में ये नहीं हो सकता है, आपकी गांड फट जाएगी। What did he say?
जी हाँ, तो इंसानों का भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है एविडेंटली वैक्सीनेशन के फॉर्म्स में या फिर खान पान के फॉर्म्स में। अब आप बोलोगे कि मॉडिफिकेशन या ह्यूमन मॉडिफिकेशन जरूरी है भी या नहीं, कोई इनसे भी पूछ ले, ये ऐसे भी दिख सकते थे और ये ऐसे भी दिख सकते थे, अब डिफरेंस क्या है ये बता दो। मॉडिफिकेशन हमारे अंदर होते आ रहा है और होते आएगा, मरने वाले नहीं हो, आपको बचाने के लिए ही किया जाता है, तो इसीलिए वैक्सीनेशन जाके ले लो। देखिए भैया, हम ये सुई लेने के लिए आए थे, ये पहला डोज हमको लग गया है, यही बाएं हाथ में लगवाए हैं, थोड़ा सा दर्द भी कर रहा है। दारू वारू मत पीजिए, देखिए गंदी चीज है ये सब, दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ साथ ह्यूमन मॉडिफिकेशन आगे के जेनरेशंस को इफेक्ट जरूर करने वाला है, कुछ तो चेंजेस आएंगी, कुछ तो बदलाव जरूर आएगा, और वो हम और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन इमेजिन कर सकते हैं। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I could see. Hit it, hit it, hit it, hit it. Excuse me, आप जल्दी इधर से भाग जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि मुझे यही भाभी चाहिए। सच्ची मोहब्बत है वही जिससे और नहीं हो। ना टीवी दिला दिया, ना पंखा दिला दिया। ओ ठीक रहा है? अमूल दूध चाहिए था ना चाय बनाने के लिए आप लोग को। अमूल दूध। तो ये था हमारा एपिसोड ह्यूमन चमत्कारों मतलब मॉडिफिकेशन के ऊपर। प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट, लाइक एंड कमेंट एज वेल, प्लीज गो अहेड एंड शेयर इफ यू लाइक, थैंक यू, एंड इफ यू डोंट डू इट जाती है जो फिजिक्स की मां बहन बात जा रही है। जी हाँ, ये वही प्रजाति तेरा लगा के। जी हाँ, ये वही प्रजाति है जो, ये वही प्रजाति है जो बैटमैन निकले, ये वही प्रजाति है जो बैटमैन बनने निकला था, कोरोना बन गया। इन 500 सालों में उसे लड़ने के लिए और आपको धरती और धरती में बोल रहा है। ह्यूमन मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपको अंदर से आपके अंदर के पूंजों को ताकतवर बनाया जा रहा है बीमारियों से लड़ने के लिए, लोगों से लड़ने के लिए और डायरेक्टली में तो फूड और मेडिकल इंडस्ट्री आपको दे ही रहा है खाने के लिए सब कुछ, इनडायरेक्टली में आपको वैक्स अब ये अब इंसानों ने चमगादड़ की गांड में उंगली कर दी तभी तो कोरोना हुआ भैया। जेनेटिक मॉडिफिकेशन जानवरों के और जेनेटिक मॉडिफिकेशन इंसानों में खुले दौ, जेनेटिक मॉडिफिकेशन जानवरों में और पौधों में या फिर पेड़ पौधों में बहुत खुलेआम तौर तरीके से होता है। जेनेटिक